हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ अमृता मिश्रा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पोहे और दही से बनने वाला बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। ये नाश्ता बनाना बहुत ही आसान है, साथ ही साथ ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी भी है। तो यहाँ पे मैंने एक कप पोहा लिया है। अब इसे दो बार हमें धुल लेना है अच्छे से। इससे क्या होगा कि पोहा अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तो देखिए, एक बार मैंने इसे धुला, उसके बाद इसका पानी हम छान लेंगे और फिर सेम प्रोसेस हम दूसरी बार भी कर लेंगे। इसमें पानी ऐड करेंगे और फिर इसका पानी हम छान लेंगे। तो इससे क्या होगा कि पोहे सॉफ्ट हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप सूजी और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप दही। तो ये घर की बनी हुई ताज़ी दही मैंने ली है। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिला लें सूजी, पोहे और दही को। देखिए, मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद हम इसे 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे कि जिससे सूजी पोहा अच्छे से फूल जाए दही के साथ। तो देखिए, अब मैं इसे ढक के रख दूंगी। 15 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है। तो ये देखिए, सूजी और पोहे ने दही को एब्जॉर्ब कर लिया है और पोहा बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे हम, ये देखिए, स्पून के पीछे वाले हिस्से से अच्छे से मैश कर लेंगे। तो अब हम इसी स्टेज पे इसमें पानी भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधे कप पानी का यूज किया है। हमें इसमें बहुत ज्यादा पानी का यूज नहीं करना है। ये देखिए, स्पून के पीछे वाले हिस्से से हम इसे मैश कर लेंगे क्योंकि पोहा भीगने के बाद बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। देखिए, ऐसे ही मैश कर लें से अच्छे से। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। देखिए, ऐसा ही थिक बैटर हमें चाहिए। ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब मैंने यहाँ पे ऐड किया है नमक। नमक आपको स्वाद अनुसार ऐड करना पड़ेगा। 1/3 चम्मच साबुत जीरा ऐड किया है, 1/3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/3 चम्मच गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ी सब्जियां ऐड करेंगे। तो एक गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है, एक छोटे साइज का टमाटर था उसे भी बारीक काट लिया है, एक प्याज को भी बारीक काट लिया है। सब्जियों को इसमें बारीक काट के ऐड करें। 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। स्पाइस कंटेंट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 1/2 शिमला मिर्च है उसे भी बारीक काट लिया है और थोड़ी सी धनिए की पत्ती को भी बारीक काट के ऐड कर लिया है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें कि सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। देखिए मैं कैसे इसको मिक्स कर रही हूं। तो ये देखिए, ये बैटर कुछ कुछ ऐसा बन के तैयार होगा। ये थिक ही बैटर है। तो अब गैस पे मैंने पैन चढ़ा दिया है ऑलरेडी। अब इसमें 1 टीस्पून मैंने ऑयल लेके स्प्रेड कर देना है हमें। बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं लगता है, इसीलिए नाश्ता बहुत ही हेल्दी भी है। तो हाथों को मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है। ये देखिए, थोड़ा सा हम पोर्शन लेंगे हाथ में और देखिए, हाथों की सहायता से ऐसे ही इसको पैन पे डाल देंगे। आप चाहें तो सिंपली इसे स्पून से भी फैला सकते हैं, लेकिन ये हाथों से बहुत ही ईजली आप कर सकते हैं क्योंकि बैटर इसका थिक है। ये देखिए, हाथों के बीच में इसे रखें और ऐसे ही गोल शेप दें और उसके बाद ऐसे ही पैन में हाथ की सहायता से फैला दें। जैसा कि मैंने कहा, आप इसको स्पून की सहायता से भी फैला सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये देखिए, एक और मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ। तो अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और अभी हमें इसे टच नहीं करना है। 2 से 3 मिनट बाद जब इसका कलर थोड़ा चेंज होगा तब हम इसे पलटेंगे। तो देखिए, हल्के हाथों से इसे पलटें बहुत ही सावधानी के साथ क्योंकि अभी ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं।
इसे पलट लेंगे हम और दूसरी तरफ भी अच्छे से पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं और इसे उलटते पलटते हुए थोड़ा क्रिस्पी कर लें। देखा आपने ये नाश्ता बनाना कितना आसान है और ये बड़ों से लेके बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। सुबह सुबह आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, आप इसे हरी चटनी या टमाटो केचप किसी के साथ भी सर्व करें, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। देखिए कितनी अच्छी ये रेसिपी है।